पिलामाने समस्तिंग मो चैनल को स्वागत मु आपनकर चिन्मय सर आपन मानक पई आज जो वीडियो आनिची कंप्यूटर रो आपनकर अपकमिंग एग्जाम पई आमे ऑलरेडी बहुत गुडीक चैप्टर कवर करी सेलेनी विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज अछि आपनक पई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रो क्लास नंबर 4 जोटा की शॉर्टकट की पिलामाने मु या पूर्वरो आपन मानको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे भी पूरा भलो भलो शॉर्टकट की भलो भाबरे आपनको देइछि यारो लिंक मध्ये आपन डिस्क्रिप्शन रे पाइबे नले वीडियो रो एंड रे मु देइ देबी जे माने प्रथम थरो पई मो चैनल को देखु जोंदे चैनल टु को सब्सक्राइब कर लियंतु आपन विभिन्न प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई बेसिक कांसेप्ट सह क्वेश्चन आंसर केमिति सॉल्व करिवे विभिन्न प्रकार क्लास आपन पाई परिवे चालंतु आज देखिवा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रो शॉर्टकट कीज विथ प्रैक्टिकली जोटा देख हम मुझे करके देखेबी चलो देखा माइक्रोसॉफ्ट कौन शॉर्टकट की अच्छे पे देखते ऑल्ट एफ मुझे गोटे कथा कह पाने केतेक की अच्छी जोटा को आप जनरल की कह जाए ऑफिस रे सब जगह प्राय काम लग जाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रे काम हुए कौन कौन पे धरतु कंट्रोल ए सिलेक्ट करने कंट्रोल बी बोल्ड करने कंट्रोल आई इटालिक करिया पें जो सिलेक्शन कंट्रोल यू अंडरलाइन कंट्रोल सी कॉपी कंट्रोल भी पेस्ट कंट्रोल एक्स कट कंट्रोल वाई रीडो कंट्रोल जेड ओंडो जो पिला माने ए जिंस गुडा मु आपन को पूरा डिटेली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे जो शॉर्टकट की देथिली पूरा गोटी गोटी करी बुझैछि तो आपन जदि सेही गुडा को जानियो को चाहु जदि ताले आगे सेही वीडियो टा को देखि दंदु किंतु मु आज आपन मानु को से जनरल शॉर्टकट की न कहि कि मुख्यतः माइक्रोसॉफ्ट रो एक्सेल रे जो वीडियो गुडा को देखंतु आमे देखिबा ऑल्ट प्लस एफ पिला माने मु एटी आगे पढि दउछि तापर प्रैक्टिकली जेबी एक्सेल पेज को आपन को देखैबि ऑल्ट प्लस एफ रो अर्थ होला ओपन द फाइल टैब मेनू आपन ऑल्ट एफ माइले फाइल टैब मेनू ओपन हबो ऑल्ट प्लस एच गो टू द होम टैब आप जो टैब रे भी थिले होम टैब को जिबे देखते ये प्राक्टिकाली देख देखिए देखते ये केमी से जिन गुड़ाक हो पे प्रथम देखो आम जो पढ़ी यहाँ है आपणकर माइक्रोसॉफ्ट एम एस एक्सेल पेजटा आप देखिपे मुझे आपको ऑल्ट एफ मारि ऑल्ट एफ देखते पे कौन आसीगला आपण मानकर सांगे सांगे लक्ष्य करूँ कौन आसीगला ऑल्ट एफ मारे ऑल्ट एफ जो बॉक्स टे आपण पाउछंती एटा कोला फाइल टैब मेनू जोडी के आपण न्यू ओपन सेव सेव एज प्रिंट प्रिपेयर सेंड पब्लिश ए ऑप्शन सब पाइबे देखंतु पिला माने ए जो ऑप्शन उडा के आपण एडी पाइ परियो बुझियला सेबेला तापर आपण को देखै दिली गो टू होम टैब ऑल्ट एच मु ऑल्ट एच मारिले पिला माने मु वर्तमान को टैब रे आपण लक्ष्य कले एडी लक्ष्य करंतु इनसर्ट टैब रे कोडी अछि इनसर्ट रे कारण एटी कॉलम पाइल पाई चार्ट बार चार्ट ई सब आपण जानिथिबे इनसर्ट रे थाए तनु इनसर्ट टैब रे अछि मु होम टैब को जिबा को हेले ऑल्ट एच देखंतु पिला माने एबे हम कोडी पळे आइसिले चेक करंतु होम टैब को पळे आइसिले एवं समस्त पाखरे गोटे गोटे की पळे आउछु जी ता माने आपण विदाउट माउस रे भी से फंक्शन ओडा को क्लिक करि परिबे बुझियाला पिला माने होम को जिबा पई सेबला इनसर्ट टैब को जिबा पई ऑल्ट एन देखंतु ऑल्ट एन मारि भी वर्तमान आपण माने इनसर्ट टैब को पळेबे ऑल्ट एन देखंतु होम रे थिले ऑल्ट एन मारिले इनसर्ट टैब को ये टैब चेंज करिया पई ऑल्ट पी पिला माने ऑल्ट प्लस पी कंट्रोल ले ऑलरेडी वर्ड रे भी कही सारी भल भाव देखु ऑल्ट पी गो टू द पेज लेआउट टैब देखो आम पलि आसी पेज लेआउट टैब मुझे मार्क करके भी देखे दूसरी ये जो ग्रीन कलर आपको मार्क कल लक्ष्य करूँ यहाँ देखो कौ टैब्रे आपड़ पेज लेआउट टैब होम ताखे इनसर्ट पेज लेआउट फॉर्मेट डाटा रिव्यू व्यू ये सब पे मुझे एक्सेल बतईली आपण मैंने एक्सेल तीन टी जाक वीडियो ऑलरेडी जा सारी आपने देखते क्लीयर तापर यू आसतु शॉर्टकट ऑल्ट प्लस एम गो टू द फॉर्मूला टैब देखो ऑल्ट एम मु मारि पे ऑल्ट एम फॉर्मूला टैब को देखो ऊपर फॉर्मूला टैब आसीगला जोटी आप सम देपारे कैलकुलेट करें टैक्स देपारे फिनान्सील ऑटो सम विभिन्न प्रकार ऑप्शन आपड़ी पाइबे जोटा कि आप फॉर्मूला मुख्यतः एक्सेल गोटे मेन पार्ट तापर जदि आप ऑल्ट प्लस ए मारुचंती पिला माने कंट्रोल ए मारे सब सिलेक्ट हो देखिए कंट्रोल ए मारे पूरा ऑल सिलेक्ट गोटे चिन्ह चेंज हो गलानी किंतु ऑल्ट ए मारे पे कौन हो लक्ष्य करूँ डाटा टैब को पलि आसवे गो टू द डाटा टैब गो टू द डाटा टैब ये आप देखिपे लिखाई गो टू द डाटा टैब बुझीगला यहाँ जब पे भलिकी लेखा न आसुव मुझ पीडीएफ भी आपको देखिए
मो टेलीग्राम चैनल ले जॉइन करिवे आपण पीडीएफ पाई परिवे। नेक्स्ट जीवा गो टू द रिव्यू टैब ऑल्ट प्लस आर आपण जदि ऑल्ट प्लस आर मारु चंती ताले रिव्यू टैब को आसीबे। देखंतु प्रत्येक टैब को जीवा पई आपण शॉर्टकट की जानि थांदु ऑल्ट प्लस डब्ल्यू गो टू द व्यू टैब। देखंतु चेंज हला व्यू टैब रे मु आसी पहुंची गली ऑल्ट प्लस डब्ल्यू बुझी हला। सेबिले आपण विभिन्न प्रकार जदि आपण ऑल्ट प्लस वाई मारु चंती ताले उटे हेल्प टैब खुली जीवो। एठी आपण ऑल्ट प्लस जदि वाई मारिबे सांगे सांगे कोन खुली जीवो हेल्प टैब आपण पाई परिबे बुझी हला पिला माने क्लियर। तापर देखंतु ऑल्ट प्लस एक्स गो टू ऐड इन टैब कंट्रोल प्लस टैब स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक्स पिला माने आपण जदि को वर्कबुक ओपन करो जे ताको भीतर स्विच करिवे माने एपोर्ट सपोर्ट करिवे बुझी हला। स्विप Shift plus F3 एई सेल बॉक्स रे पिला माने मु जूम करिक आपन देखौ छी धरंतु एई सेल बॉक्स रे लक्ष्य करंतु पिला माने एटुटे सेल बॉक्स रे एडी आमे कोन करिवा Shift plus F3 देखंतु सांगे सांगे कोन हेगला कोन आसेला आपन मान देखंतु इनसर्ट फंक्शन आपन एटी फंक्शन देई परिबे एवरेज काढिबे ना सम काढिबे ना काउंट काढिबे त Shift F3 मारिले एटा पाई परि बुझी हला पिला माने जूम कमै दउ छी एबे देखंतु तापरे ऑल्ट प्लस एफ8 क्रिएट रन एडिट और डिलीट ए मैक्रो ऑल्ट प्लस एडिट ऑल्ट प्लस एफ8 मारिबा ऑल्ट एफ8 आपण मारि के देखैबी ए देखन सांगे सांगे मैक्रो खुली गला मैक्रो नेम देबे कोठी के आपण जीवा को चाहू चंती रन माइले छि जाई परिबो बुझि गेला पिला माने। ऑल्ट एफ11 ओपन द माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन एडिटर ये गोटे पिला माने मारिक देखे दूसरे अपन जानी परिवे ए देखो ये टोटल गोटे चेंज हो गला ये लक्ष्य करूँ तो अपन ये जो नुआ जिन छोटे खुले लाइट ऊपर लिखा है देखो तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक लीप जो मोर एटा एप्लीकेशन ना दे पिला माने सेटा छाड़ंतु ए जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एटा गोटे खुली गला एटा ला अपन मानकर कोटा ना ऑल्ट प्लस एफ11 क्लियर। नेक्स्ट जीवा एटा सब थिला पिला माने जनरल जिंस चालंतु नेक्स्ट जीवा पिला माने एटा सब आमे देखि देले ऑल्ट एफ11 पर्यंत आमे देखि दिचंती एटा को आपन को मु एक्सेल रे देखौथली सेटी लेखि कि एबे चालंतु आउ किछि देखिबा कंट्रोल एफ1 एटा कोन करिवो रिबन जो आपन मानन को पढैतिली जो ऊपर जते को मेन्यू बार थाए जो जगह रहिते ता रिबन को जाय से आपन को सुओ होइ जिवो देखै परिबे हाइड करि परिबे। कंट्रोल एफ2 आपन जदि कंट्रोल एफ2 प्रेस करूचंदी प्रिंट प्रीव्यू म आपन को देखै देबी प्रैक्टिकली एटा के देखि दियंतु। कंट्रोल एफ3 ब्रिंग अप द नेम मैनेजर कंट्रोल एफ4 क्लोज एक्सेल पिला माने एटा तो देखै हेबनी कंट्रोल एफ4 मार देले एक्सेल क्लोज होइ जिवो। कंट्रोल एफ5 रिस्टोर्स द विंडो साइज फॉर मैक्सिमम ऑफ द करंट ओपन एक्सेल वर्कबुक ता माने आपन जदि कंट्रोल एफ5 प्रेस करूचंती ताले कोन करिवे ना आपन कर रिस्टोर करि परिवे विंडो साइज फ्रॉम मैक्सिमम थिबो जदि। कंट्रोल एफ6 स्विच टू प्रीवियस एक्सेल वर्कबुक इफ यू हैव मल्टीपल वर्कबुक्स ओपन जदि आपन बहुत उडा वर्कबुक ओपन करिके काम करूचंती ताले कंट्रोल एफ6 मारिले प्रीवियस को आसी परिवे। कंट्रोल एफ9 मिनिमाइज मिनिमाइज द करंट वर्कबुक आ कंट्रोल एफ10 मैक्सिमाइज करेंटली सिलेक्टेड वर्कबुक मैक्सिमाइज करि परिबे मिनिमाइज करि परिबे। चालंतु टिके प्रैक्टिकली जोटा देखै हबो आपन टिके एक्सेल रे नजर कर दियंतु केमिति होउछ पिला माने देखंतु। कंट्रोल प्लस एफ1 जो कहितली सोर हाइट द रिबन पिला माने एई जो जागाटाकु आपनकर रिबन को आजे म आपनकु देखैथिली एई जो टोटल एरियाटाकु आपनकर रिबन को आजे ठीक अच्छे एटा को एतले आपण कंट्रोल प्रेस करूचंती कंट्रोल एफ1 ताले कोन हबो कंट्रोल एफ1 मु प्रेस कली फंक्शन की देखंतु से रिबनटा जोटे मार्क करितली से आउ नाही पिला माने लक्ष्य करंतु एडी से रिबनटा कोन हेगला हाइड हेगला एडी अछि कि पिला माने लक्ष्य कले खाली टैब रो ना रहला इनसर्ट होम पेज लेआउट फार्मूला डाटा रिव्यू व्यू सेटा पळेला तनो आपण माने सेटा पई कंट्रोल एफ1 प्रेस कले आपण कोन करि परिवे पुणी पाई परिवे देखो पुणी आसी गला रिटर्न बुझी गला से बला कंट्रोल एफ2 आपण प्रिंट प्रीव्यू ए जो जहां प्रिंट देखियो को चाहु चंती आपण प्रिंट काढिबा पुरु उडे प्रीव्यू देखा जाय जे ये मार्जिन ठीक अछि कि नै मु मारी के देखौ छी कंट्रोल एफ2 देखौ आपण को कंट्रोल एफ2 मारी के देखैबी से कोन आसीबो आपण लक्ष्य करू एई मारिल एईटा हला पिला माने प्रीव्यू ता माने मु प्रिंट काढिले एमिति ही प्रिंट आसीबो एमिति ही प्रिंट आसीबो। कंट्रोल आपण एफ2 मारिले प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स खुलिबो एटी प्रिंट ऑप्शन अछि आपण प्रिंट करि परिबे तनो जे कोनोसी जेतेबेले भी आपण प्रिंट काढंती
ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କାଢ଼ିବା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରିଭ୍ୟୁଟା ଚେକ୍ କରିଦେବା ଠିକ୍, କାରଣ ଯାହା ବାହାରିବ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ F3 ମାରିଲେ ନ୍ୟୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ନେମ୍ ମ୍ୟାନେଜରର ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ ଖୋଲୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ସେଭଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ F4 ମାରିଲେ କ୍ଲୋଜ୍ ପାଇଁ ଦେଖେଇବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସ ଏକ୍ସେଲ, ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେଭ୍ ଦ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ୟୁ ମେଡ୍ ଟୁ ଲିଭ୍। ମୋର ଯୋଉ ଡଟ୍ ଏକ୍ସେଲ SX ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଏକ୍ସେଲର ନାଁ, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ନାଁଟା ଦେଇଛି ସେଇଟା ଲିଭ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଯଦି ୟେସ୍ ମାରିଦେବି ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଇଏ ଯାହା ମୁଁ ଏଡିଟ୍ କରିଥିଲି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ କ୍ୟାନସଲ୍ ମାରିଦେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେବା ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ F5, ଇଏ ପିଲାମାନେ ୱିଣ୍ଡୋ ସାଇଜ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କରେଣ୍ଟ ଯୋଉ କହିଥିଲି କ'ଣ କରିବ, ରିଷ୍ଟୋର କରିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ F5 କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ହେଇଗଲାନି, ଇଏ ସାଇଡ୍ ସବୁ ଖାଲି ହେଇଗଲା। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ F6 ଏଇଟା ସୁଇଚ, ପ୍ରିଭିୟସ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ ଏକ୍ସେଲ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସୁଇଚ୍ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏରେ କାମ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ F9 ମିନିମାଇଜ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ୱାର୍କବୁକ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ F9 ମିନିମାଇଜ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିମାଇଜ୍ ହେଇଗଲା। କେଉଁଠି ମିନିମାଇଜ୍ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସ୍ ରଖିଛି, ଏଇଠି ମିନିମାଇଜ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ପୁଣି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଖୋଲିଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ F9 ମିନିମାଇଜ୍ କରିବେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ F10 ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ କରେଣ୍ଟଲି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ୱାର୍କବୁକ୍। କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ କିଛି ସର୍ଟକଟ୍ କି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସେଲ୍ ଭିତରେ ବା ୱାର୍କସିଟ୍ ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସିଲେକ୍ଟିଂ ସେଲ୍ସ ମୁଭିଂ, ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସିଲେକ୍ଟିଂ ସେଲ୍ସ ଅର୍ ମୁଭିଂ ଆରାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ୱାର୍କସିଟ୍ ଅର୍ ସେଲ୍, କିଛି ସର୍ଟକଟ୍ କି ଦେଖିଦେବା। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଅପ୍ ଏରୋ ୟୁଜ୍ କଲେ ଏଇଟା ଏରୋ ହବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଅପ୍ ଏରୋ, ମୁଭ୍ ଟୁ ଦ ଟପ୍ ସେଲ୍ ଇନ୍ ଦ କଲମ, କଲମରେ ସବୁଠୁ ଉପର ଟପ୍ ସେଲ୍କୁ ପଳେଇବେ। ଡାଉନ୍ ଏରୋ କଲେ ପିଲାମାନେ ବଟମ୍ ସେଲ୍କୁ, ମୁଭ୍ ଟୁ ଦ ବଟମ୍ ସେଲ୍ ଇନ୍ ଦ କଲମ। ସେଭଳିଆ ଟ୍ୟାବ୍, ଗୋ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ସେଲ୍, ଟ୍ୟାବ୍ ମାରିଲେ ନେକ୍ସଟ ସେଲ୍କୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଫ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଗୋ ଟୁ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସେଲ୍, ପଛ ସେଲ୍କୁ ଯିବେ, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସବୁ ପିଲାମାନେ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଏଣ୍ଡ, ଗୋ ଟୁ ଦ ମୋଷ୍ଟ ବଟନ୍ ରାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ ସେଲ୍, ସବୁରେ ଲାଷ୍ଟ ଡାହାଣ ପଟରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ସେଲ୍ ସେଇଠିକି ଯିବେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଣ୍ଡ। ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ହୋମ୍ ମାରିଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଭ୍ ଟୁ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଏ ୱାର୍କସିଟ୍, ପୁରା ୱାର୍କସିଟ୍ର ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଥିବେ ମୂଳକୁ ଆସିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିଦେବା କେଉଁଟା କେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ହେଇପାରୁଛେ ପିଲାମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିବା। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଅପ୍ ଏରୋ, ମୁଁ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଅପ୍ ଏରୋ ମାରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ରୋକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଠି ଏକ ନମ୍ବରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତା ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଥିଲା ନା, ଅଲ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଏଫ୍ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତା ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେଉଁଠିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଅପ୍ ଏରୋ ପ୍ରେସ୍ କଲେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଅପ୍ ଏରୋ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଭ୍ ଟୁ ଦ ଟପ୍ ସେଲ୍ ଇନ୍ ଦ କଲମ, ସେଇ କଲମର ଉପରେ ପୁରା ଟପ୍କୁ ପଳେଇବେ। ସେଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ଯଦି ବଟମ୍ ମାରିଦେବେ, ମୁଁ ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ସେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଡାଉନ୍ ଏରୋ, ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଡାଉନ୍ ଏରୋ ହବ, ଏଇଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଡାଉନ୍ ଏରୋ, ମୁଁ ଏଇଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଡାଉନ୍ ଏରୋ ମାରିବି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁଠୁ ଏକ୍ସେଲର ଲାଷ୍ଟରେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ବି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଏଇଠି ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କେତେ ଆସିଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏକ୍ସେଲରେ, ପୁରା 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଏମିତି ଆସିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର କ'ଣ, ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 1048576, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସେଲ 2007 ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର, ପୁରା ଶେଷ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବରରେ ଆସିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଉଛି କଲମ ଶେଷ ନମ୍ବର ଏତିକି, ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏତିକି ଧାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା କରିପାରିବେ, ଏତିକି ଡାଟା ଏକାଥରକରେ ରଖିପାରିବେ, ଭଲ କଥା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ପୁଣି ଫେରିବାର ଅଛି ଉପରକୁ, ଏମିତି ତ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଯିବ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ, କ'ଣ କରିବା, କେମିତି ଯିବା ଉପରକୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋମ୍ ମାରିଦେବା, ବାସ୍ ହୋମ୍ ମାରିଦେଲେ ଆମେ ମୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାପରେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ହଁ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ହୋମ୍ ମାରିଦେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କ୍ଲିୟର। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମଜା ଜିନିଷ, ବୁଝିକି କଲେ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗେ ପିଲାମାନେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ କ୍ଲାସ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟାପ୍ ବଟନ, ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟାପ୍ ବଟନର କାମ ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କମେଇକି ଦେଖେଇବି ଆପଣ ଭଲକି ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇଠି ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି, ଟ୍ୟାପ୍ କଲେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଘୁଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୁଁ ଟ୍ୟାପ୍ ମାରୁଛି, ଏଇଠି ଥିଲି,
ट्याब मारिबि गोटे 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 घुंची भाई देखंतु डी पाखरे थिला ई एफ जी एच किंतु जे शिफ्ट ट्याब मारिबि पछुकु आसीबो एई पछुकु आसिला बुझी पर्छन पिला माने गोटे गोटे पछुकु आसुछ खाली ट्याब मारिले आगु को जीवो शिफ्ट ट्याब मारिले गोटे गोटे सेल पछुकु आसीबो सेला कंट्रोल एंड मारिले आपण गो टू द मोस्ट बॉटम राइट यूज स्टाइल डाहाण पटरे जोटा शेष बॉटम यूज करिथिबे डाहाण पटरे सही सेल को पळेबो कंट्रोल एंड कंट्रोल एंड आपण जदि क्लिक करिवे देखंतु एइतार शेष डाहाण पटरे मु एई एन पर्यंत यूज करितिली पूरा शेष को पळि आइसला कंट्रोल एंड बुझेला पुनि मूळ को आसे पडियो होम मारी कि पिला माने नहले एई संगे स्क्रॉल करिथांदे तापर पिला माने कंट्रोल होम मूव टू द बिगनिंग ऑफ ए वर्कशीट एटा जानी गले ऑल्ट प्लस पेज अप बा पेज डाउन ऑल्ट पिला माने लगेले पेज अप करिवे जदि गोटे स्क्रीन आपण कोन करिवे राइट की जिबे स्क्रीन माने आपण माने लक्ष्य करंतु एटी गोटे स्क्रॉल बार अछि एटा को मु जो घुंचौ छै एटा कोला स्क्रॉल बार को आजे पिला माने जानिथिबे एटा रे गोटे स्क्रीन आपण एटी देखि परुचंती फुल स्क्रीन जति गासु छी जदि आपण कोन करुचंती ऑल्ट प्लस पेज अप मारुचंती ताले से कोन करिवो आउट स्क्रीन देखेबो जदि लेखा सपट रे थिबो कंट्रोल पेज अप बा कंट्रोल पेज डाउन तार अर्थ पिला माने मूव टू द प्रीवियस और नेक्स्ट वर्कशीट बा अप मारिले कंट्रोल पेज अप मारिले आपण कोन करिवे मूव करि परिबे अप डाउन यूज करिकि पछु को जाई परिबे नले आगो वर्कशीट कि जाई परिबे सेबला शिफ्ट प्लस लेफ्ट किंबा राइट एरो पिला माने शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो लगेले आपण लेफ्ट को जिबे धरंतु सिलेक्शन करि चंदी एटा गुटे सिलेक्शन करि छि आपण शिफ्ट को लेफ्ट एरो यूज करु चंदी देखंतु कटि जाउ छि सिलेक्शन को देखंतु मु जते सिलेक्शन करितिली एटा को एतिक सिलेक्शन करि छि ओके मु शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो यूज करिबि गोटे गोटे लेफ्ट को आसु छि सेबला शिफ्ट प्लस राइट कले से सिलेक्शन डाहाण को गोटे गोटे बढिबो बुझियला पिला माने लेफ्ट को कले ए लेफ्ट को आसु छि क्लियर से वाला शिफ्ट प्लस स्पेस पिला माने एटा हला सिलेक्ट द एंटायर रो मु जी रे ए जी टा को आपण सिलेक्ट करिया को चाहिबे मु एटी क्लिक करी छी एटा हला आपणकर रो ए डाटा हला रो मु एटा कोन करबी एट क्लिक करी कि शिफ्ट प्लस स्पेस करबी देखंतु पूरा से रोटा ए जोटा कलर चेंज हो गला पूरा आपण जत्ते जिबे लक्ष्य करंतु डाहाण पटु को एटा पूरा सिलेक्ट हे जो जहा थिवो रो माने हला पिला माने ए जो 26 नंबर जो गारटा सेटा हला रो आउ एबीसीडी जो लिखा है इसी सेटा आपण कर कॉलम ओके सेला कंट्रोल स्पेस पिला माने क्लिक करले सिलेक्ट द एंटायर कॉलम एई कॉलम टा एफ को आपण सिलेक्ट करिया चाहू छन नले आपण को सर ए जो ए टा को करंतु ए ए टा को सिलेक्ट करिया को चाहू छन आपण जाई कि ए ऊपर क्लिक करले सिलेक्ट हे जीवो एमिति नहले आपण कोन करिवे एटी अछंती आपण शिफ्ट प्लस स्पेस करितले एंटायर रो पई कंट्रोल प्लस स्पेस करंतु देखंतु कोन हेगला सिलेक्ट द एंटायर कॉलम पूरा एंटायर कॉलम टा को कोन करिवो से सिलेक्ट करि दबो बुझियाला पिला माने जोउथिरे आपण काम करुचंती से एटा रे पिला माने किछिटा जिंसो एक्सेल अछि मु किछिटा सेल को मर्ज करि दैछि त मर्ज करि देले किछिटा शॉर्टकट की काम करे नै बुझियाला पिला माने आपण जदि प्रैक्टिकली करिवे जानि परिवे आपणकर एग्जाम क्वालिफाई करले मु प्रैक्टिकल पई भी आपनकु सिखैबि बुझियाला पिला माने आ शिफ्ट प्लस होम जदि क्लिक करुचंती गो टू द फर्स्ट सेल इन द करंट रो शिफ्ट प्लस होम प्रथम धरंतु एठी हमें अछंदि शिफ्ट प्लस होम मारिबा देखंतु सेटा प्रथम सिलेक्ट आइ गेलानी त माने एटा हला फर्स्ट सेल इन द करंट रो एई रो रो प्रथम सेल को से पळेला जोंडी थिबे एठी अछंदि आपण शिफ्ट प्लस होम मारिबे देखंतु सिलेक्ट आइ गेला बुझियौ सेबला कंट्रोल शिफ्ट स्पेस सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट कंट्रोल शिफ्ट स्पेस एंटायर वर्कशीट को आपण सिलेक्ट करि परिबे पूरा होल वर्कशीट को जदि आपण माने कंट्रोल ए जेमिति करूचंती सेबला कंट्रोल शिफ्ट स्पेस यूज कले टोटल सिलेक्शन कर देबे बुझियाला पिला माने क्लियर चालन तो पीडीएफ टा टिके देखि दियंतु पिला माने आमे एटा सब ऑलरेडी प्रैक्टिकली डिस्कशन करि देले शिफ्ट प्लस टैब कंट्रोल प्लस एंड जोडे के राइट की जीवा पई कंट्रोल प्लस होम बिगनिंग मूव टू द बिगनिंग ऑफ ए वर्कशीट ऑल्ट प्लस पेज अप पेज डाउन जानिले कंट्रोल पेज अप पेज डाउन जानिले पेज अप अलगा पिला माने पेज डाउन अलगा कंट्रोल प्लस पेज अप रो गोटे कंट्रोल प्लस पेज डाउन लो गोटे माने प्रीवियस नेक्स्ट करिया पई शिफ्ट प्लस स्पेस जानिले कंट्रोल प्लस स्पेस जानिले सिलेक्ट द एंटायर कॉलम कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस जानिले सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट पूरा वर्कशीट आ शिफ्ट प्लस होम को जे मारिले गो टू द फर्स्ट सेल इन द करंट रो क्लियर पिला माने एटा थिला आपनकर जो सेल भितरे बा सिलेक्टिंग सेल्स मूविंग अराउंड ए वर्कशीट वर्कशीट भितरे मूव करिया पई ये
ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟକଟ୍ କି କାମରେ ଲାଗିବ। ମୁଁ ସବୁ ସେପାରେଟ୍ କରିଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଡିଟିଂ ସେଲ୍। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ସେଲ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଏଡିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟକଟ୍ କି କାମରେ ଲାଗିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଡିଟିଂରେ ପାଇଁ କ'ଣ, F2 ଗୋଟେ ସେଲ୍ର ନାଁ ବଦଳାଇବାକୁ ପାଇଲେ ଆପଣ F2 ୟୁଜ୍ କରିବେ। F2 ବି ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖାଇଥିଲି, ଫୋଲ୍ଡର୍ର ନାଁ ବି ଆପଣ MS ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ରେ ବି ଦେଖିଥିଲେ। Shift+F2 ଆଡ୍ ଅର୍ ଏଡିଟ୍ ଏ ସେଲ୍ କମେଣ୍ଟ। Ctrl+X ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା ଆଉ କହୁନେଇ ପିଲାମାନେ, Ctrl+X କଟ୍, Ctrl+C ଏଇଟା ଏଡିଟିଂ ସେଲ୍ ଏଡିଟିଂ ପାଇଁ ଏସବୁ କାମରେ ଲାଗେ। Ctrl+V ପେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ Ctrl+Insert ଇଏ ଯାହା Ctrl+C ସେଇଆ। Shift+Insert ଏଇଟା ଅଲରେଡି ମୁଁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହିସାରିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ। Ctrl+Alt+V ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଓପେନ୍ ଦ ପେଷ୍ଟ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ। Ctrl+V ମାରିଲେ ପେଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ Ctrl+Alt+V ମାରିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ ଓପେନ୍ ହୁଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। Alt+Enter ଇନସର୍ଟ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟର୍ନ ୱିଦିନ୍ ଏ ସେଲ୍, ସରି ହାର୍ଡ ରିଟର୍ନ ୱିଦିନ୍ ଏ ସେଲ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଏଡିଟିଂ ଏ ସେଲ୍। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଏଡିଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ Alt+Enter ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଇନସର୍ଟ କରିପାରିବେ। F3 ପେଷ୍ଟ ଏ ସେଲ୍ ନେମ୍, ଯଦି ଆପଣ ୱାର୍କସିଟ୍ରେ ନାଁ ଅଲରେଡି ଅଛି ଆପଣ ପେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ F3 କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। Alt+H+D+C ଡିଲିଟ୍ କଲମ୍, ସିଏ ଟୋଟାଲ କଲମ୍ଟା ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିବା, ଯେ ସାର୍ ଆପଣ କହିଦେଲେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖେଇଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ବହୁତ ପିଲା କହିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ଏଡିଟିଂ ସେଲ୍ F2, ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି ଡି ପାଖରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ F2 ପ୍ରେସ୍ କରିବି, ଏଇଠି ଏଡିଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଗଲା। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଥିଲି କାଓ, ଏଇଠି କାଓ ଲେଖିଥିଲି, ଅଲଗା ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କହିବି ନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣ କାଓ ନୁହେଁ, ସେଠି ଗୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ F2 କ୍ଲିକ୍ କଲେ କର୍ସର୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆପଣ କାଟିକି ତାକୁ ଗୋଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ନହେଲେ ଏହାର ନର୍ମାଲ ବାଟ ହେଲା, ଆପଣ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବେ ସେଲ୍ ଉପରକୁ ଯେଉଁଠି ଯିବେ ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଠି ଯାଇକି ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତାକୁ ବି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ। Shift+F2 କ୍ଲିକ୍ କରିବି, Shift+F2 ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଗଲା ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲେ ଆଡ୍ ଅର୍ ଏଡିଟ୍ ଏ ସେଲ୍ କମେଣ୍ଟ, ମୋ ନାଁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଇଥିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ପଳେଇ ଆସିଲା, ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ଦେଖେଇବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେଇଲା ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆଡ୍ ଅର୍ ଏଡିଟ୍ ଏ ସେଲ୍ କମେଣ୍ଟ, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଡିଲିଟ୍ ମାରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଓକେ ଏଇଠି ନେକ୍ସଟ ଯିବା। Shift+Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ନୂଆ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା କହିଥିଲି Ctrl+Alt+V Ctrl+Alt+V ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଲା ପେଷ୍ଟ ସ୍ପେଶିଆଲର ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ପେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ, ଆପଣ ଏଥିରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପେଷ୍ଟ ସ୍ପେଶିଆଲ, ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ, ଟେକ୍ସଟ ପେଷ୍ଟ କରିବେ ନା ପିକ୍ଚର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଇଠି ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଆଉ ଯେଉଁଟା ଜିନିଷ କହିଲି ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସେଲ୍ ନାଁକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥିଲି, F3 ପେଷ୍ଟ କଲେ କରିପାରିବେ, ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏମିତି ଦେଖେଇବ, କାରଣ ମୁଁ ସେଠି କ'ଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି, Shift+ କ'ଣ ଦେଇଥିଲି, F2 ଏଇଟା ଦେଇଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଯାହା ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ଏଇଠି ଯାହା ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଟାଇପ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖୁ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ସେ ସେଲ୍ ଉପରକୁ ଆପଣ ନେବେ ମାନେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି କିଛି ଦେଖାଉନି, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମାନେ ସେ ସେଲ୍ ପାଖକୁ ନେବି ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଏଇ ସେଲ୍ ପାଇଁ ଏଇଠି ଫର୍ମୁଲାଟେ କି ଯାହା ଆପଣ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ରହିଲା ଡିଲିଟ୍ କଲମ୍, ପୁରା ଡିଲିଟ୍ କଲମ୍ଟାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବି, Alt ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରିବି Alt+H+D+C ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କଲେ କଲମ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ, ବୁଝିଗଲା କ୍ଲିଅର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଫର୍ମାଟିଂ ସେଲ୍ସ, ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କହିଦେବି ଫର୍ମାଟିଂ ସେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେଲ୍କୁ କେମିତି ଫର୍ମାଟିଂ ବନେଇବେ। Ctrl+V ଏଇଟା ଏଇ Ctrl+V ଏଇଟା ସବୁ ଫର୍ମାଟିଂରେ ବୋଲ୍ଡ ଅଛି ପିଲାମାନେ, Ctrl+V କଲେ ଆପଣ ବୋଲ୍ଡକୁ ହଟାଇ ପାରିବେ, Ctrl+V ବୁଝିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଏଇଟାକୁ Ctrl+V ମୁଁ କରିବି, Ctrl+V ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ଲେଖା ସେ ଲେଖା ଭିତରେ ଫରକ, Ctrl+I ଇଟାଲିକ୍ ହେଇଯାଏ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଲେଖାଟା, Ctrl+U ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବେ, Ctrl+U ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାରା ପଡ଼ିଗଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଜିନିଷ ସିଲେକ୍ଟ ଏ ଫିଲ୍ କଲର୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବେ Alt+H+H Alt ଦୁଇଥର ଏଚ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଗଲାନି କେଉଁ କଲର୍ ଏଠି ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ ମାନେ ମୁଁ ଧରନ୍ତୁ ଏଇଠି
ब्लू ग्रीन कलि देखो एटा फिल हेगला टेक्स्ट कलर अलग फिल कलर अलग अल्ट एच बी ये लक्ष्य करूँ पे आपको देखेबी जूम कर देखा अल्ट एच बी सब जिन प्राक्टिकाली बुझु मन रही अल्ट एच बी कौन है पे देखिले ये बक्सटा एमती थी कि कंट्रोल जेड कर देखेबी अल्ट एच बी से कौन कर आपर सांगे सांगे जो जगार थे से बोर्डर उपरे आपको गोटे सांगे सांगे बोर्डर देदेब आड ए बोर्डर बोर्डर मान चारिपट गोटे बोर्डर करने आपको देदेब अल्ट एच बी देख सांगे सांगे गोटे बोर्डर देदेला चारिपट बोर्डर मैंने जापड़ बुझीगला नेक्स्ट जी पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एंड ये कौन करे पिला माने आउटलाइन बॉर्डर दबो माने बाहर बॉर्डर टा दबो आपण सिलेक्ट करंतु जे कोनसी बॉक्स रे अप्लाई आउटलाइन बॉर्डर कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस कले आपण को आउटलाइन बॉर्डर मिलिवो देखो एटा आउटलाइन बॉर्डर हे गला संगे संगे चेंज हे गला ना ई सेलटा बुझियाला आउरी विभिन्न प्रकार जिंस एटी देखंतु पीडीएफ को जिबा तापर आसीबा एटी प्रैक्टिकली बुझिबा पूरा डिटेल्स पिला माने भलो लागो जे नाही कोंतु पे आज देखी दिखाँ फॉर्मेटिंग सेल जी देखते आम कंट्रोल बी जान लें कंट्रोल आई कंट्रोल यू अल्ट एच एच सिलेक्ट ए फिल कलर आपको देखे सारी अल्ट एच बी आड ए बोर्डर यहीटा है पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड आउटलाइन बोर्डर पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट अंडरलाइन आपड़ी दौरान आउटलाइन बोर्डर को रिमूव करने यार आउटलाइन बोर्डर आप्लायर ये अपोजिट कंट्रोल नाइन हाइड द सिलेक्टेड रोज आपसी रो को सिलेक्ट करते हाइड करने चाहते आप कंट्रोल प्लस नाइन यूज करेंगे कंट्रोल प्लस जीरो लुचाईवाई कलम को कंट्रोल प्लस जीरो प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस वन पे कंट्रोल प्लस वन है ओपेन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स मुझे देखेबी कंट्रोल प्लस वन एटा को देखी दिखाँ टोटाली जीवा से डिस्कशन करदे एक्सेल पेज रे प्रैक्टिकली कौन हम देखीदे पे चलत यार फॉर्मेट सब पे नंबर फॉर्मेट आप दबापी चाहते यही जगह सब नंबर फॉर्मेट कौ फॉर्मेट देते कंट्रोल शिफ्ट डॉलर फॉर्मेट नंबर इन करेंसी कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज तमें ये फॉर्मेट नंबर टा पल कौ फॉर्मेट रे परसेंट रे कंट्रोल शिफ्ट हच फॉर्मेट नंबर इन डेट फॉर्मेट पे ये सब मुखस्त करेंगे मन करेंगे बारंबार ये सब बहुत इंपोर्टेंट आप आसो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क जो देखो फॉर्मेट नंबर इन कोमा कोमा फॉर्मेट रे ये आसो कंट्रोल शिफ्ट आर दी रेट ऑफ चिन्ह दे जो फॉर्मेट नंबर जो फॉर्मेट आसो कौ फॉर्मेट ना टाइम फॉर्मेट डेट आउ टाइम फॉर्मेट पे मन रखि थे कंट्रोल शिफ्ट हाथ चिन्ह दे डेट पर कंट्रोल शिफ्ट आर दी रेट ऑफ चिन्ह दे टाइम पर बुझीगला पे चलतु से जोटा देखेबार था कही टे एक्सेल देखीद पिला देखते मुझे जोटा कही आपको हाइड द सिलेक्टेड रो कंट्रोल प्लस नाइन केमी धरतु मुझे रोटा को क्लिक एटा तो कलम हो गला यही रोटा को आपंकर 58 रोटा को आम हाइड करा चाहते आम सिलेक्ट करोल नाइन प्रेस करी देखते पे हाइड हो गला अच्छी से खोजिले देखा जा नाई तेणु पे कंट्रोल नाइन कहले हाइड द सिलेक्टेड रो तेने काम लगे बहुत समय प्रिंट काढ़ हो आपको जेको जिन हटेबार से दरकार नहीं हाइड करेंगे कंट्रो आदि कलम को हाइड करा चाहते तमें जो उपरे आप कलम को हाइड करेंगे जोटा कि आपको देखली ये ए बी सी डी को यही डीटा को पूरा हाइड करी तेल कंट्रोल वन प्रेस करी तेल आप कौन करेंगे पे सरी कंट्रोल वन नुए आपको हाइड करा गले कंट्रोल जीरो देखो डी पलैगला लक्ष्य करूँ ए बी सी तापर इमें डी पलैला मुझ कंट्रोल जेड मारे पुणी पलैसा बुझीगला से ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स जोटा कही कंट्रोल वन मारे आपड़ क्यों फॉर्मेट ये तले जी से फॉर्मेट रे पे जो फॉर्मेट कौ फॉर्मेट आपको चाहते डेट टाइम परसेंटेज फ्रैक्शन करेन्सी अकाउंटिंग नंबर तमें से सेल रे आपड़ कौन लिखा चाहते मुझे वर्तमान पे लिखी से सब जेनेल अच्छी कहीं पाने मोर तो ये जो करेन्सी करी देखो करेन्सी कले आपर आसगला करेन्सी कौन करा चाहते मुझे गोटे देखे दूसरी आपको ये एक्जामपल मुझे सेल उपरे क्लिक कली आपको कंट्रोल वन करी सेल आसला मुझे करी कौन डेट करी डेट फॉर्मेट करी कौ फॉर्मेट डेट से मगुची मुझे जोटा चूज कली भी एमती चूज करी ओके कली देखते ये डेट लिखा बर्तमान 20 आपण 8 एमती लिखा 2000 जो 21 ये जो फॉर्मेट आप रही
सी देखु कहीं सपोर्ट नेलानी ना डेट फर्माट आपंट मैंने तेल डेट फर्माट ही लिखे पड़ो ताने जो भाई आपड़ी फर्माट चूज करेंगे सी से ही फर्माटा ही नब ए देखु नब कि देखु नेला कि नहीं हाँ ना नहीं कारण मुझे फर्माट चूज करी समस्ते यही फर्माट्रे रे जदि पाने करेन्सी आप चूज करें नंबर चूज करेंगे जेनराल परसेंटेज टाइम टाइम जदि चूज करेंगे ये टाइम लिखे जो भाई आप दबार अच्छे देख टाइम देखु टाइम सीए जो टाइम आप फर्माट दे थे से भाया नेला आवर मिनिट सेकेंड तेणु एक्सेल बहुत जिनस पे इजिली करें ये आपण मैं एक्सेल भल भल जिन जोटा कि निहाती आप सर्टकट की रे पाइबे जदि पाने मोर योटी आपको भल लगी था बुझी निश्चित मुझे कहबी आपण मैंने एक्जाम क्वेश्चन पाइबे आईटा को देखीदे हेनी एक्सेल बेसिक जोटा फास्ट रिबन कौन टैब कौन पे सब आगे देखु तापर मल्टीपुल चॉइस क्वेश्चन आंसर भी देखु सर्टकट की देखु एम एस वार्ड एमएस रो एक्सेल एमएस रो पावर पॉइंट तीन टा को कंप्लीट करंतु तार शॉर्टकट की मु देई दीची आपण मोर प्लेलिस्ट रे सब कंप्यूटर क्लास रे पाई परिवे तेणु आज वीडियो जदि आपण मानको सतरे भलो लागिची मते कमेंट रे निश्चित जणैबे केमिति क्लास लागिला आ निश्चित मो चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु जा फल रे की मु आपणको नुवा नुवा अपडेट देले पाई परिवे थैंक यू समस्तन मो तरफ रु बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम बाय बाय।